छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस खत्म हुआ और मंत्री ताम्रध्वज साहू को काफी अहम विभाग दिए गए। उन्हें गृह, जेल, धर्मस्व, संस्कृति और पर्यटन विभाग का जिम्मा मिला। इसके बाद ताम्रध्वज साहू से बातचीत की स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा ने। हमारे साथ अभी ताम्रध्वज साहू जी हैं जो दुर्ग ग्रामीण से इस बार चुनाव जीते हैं और एक महत्वपूर्ण विभाग गृह, जेल और संस्कृति महत्वपूर्ण विभाग इनको मिला है और बड़ी अंतर से वो जीत दर्ज किए हैं। महत्वपूर्ण विभाग आपको मिला है, किस से जिम्मेदारी का वहन करेंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी प्रदेश को लेकर? जैसा आपने कहा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिला है। मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और एक बड़ी जिम्मेदारी भरा दो विभाग दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और जनता की आकांक्षा, अधिकारियों का अनुभव, लोगों से मिलकर समीक्षा करके उस जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करने का पूरी कोशिश करूंगा। काफी महत्वपूर्ण विभाग रहता है क्योंकि लगातार नक्सली घटनाएं घटने, किस तरीके से समस्या है उससे निपटा जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश प्राप्त करूंगा, वहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं नक्सली क्षेत्र के, उनसे जानकारी लूंगा कि जब से नक्सली मूवमेंट चल रहा है तब से क्या क्या काम हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली, क्या किया जाना चाहिए, जो अधिकारी वहाँ पदस्थ रहे और हैं उनका क्या अनुभव है, क्या योजना हम क्रियान्वित करें, किस दिशा में आगे बढ़ें ताकि नक्सली मूवमेंट समाप्त हो, सबसे विचार विमर्श करके जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर हम योजना बनाएंगे और काम करेंगे सभी दिशाओं में। अभी तो आज विभाग मिला है, चर्चा करने के बाद जो बेहतर कदम होगा जरूर उठाया जाएगा। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा और जिस तरीके से उनको महत्वपूर्ण विभाग मिला है वो पूरी दायित्व के साथ उसका निर्वहन जरूर करेंगे। कैमरामैन अखिलेश के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।